योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, किया जाना चाहिए, जिन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, आप उसे हतोत्साहित करते हैं, अपनी चोर प्रवृत्ति से अभी भी बाज नहीं आ पा रहे हैं, लूट खसोट की अपनी उस प्रवृत्ति से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अनावश्यक आरोप लगाते हैं। मुझे याद है वहां प्रयागराज की पूरी टीम ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, मैंने रात्रि में 4 बजे भी उनको फोन किया है तो भी लोग अपनी ड्यूटी पर थे, रात्रि 12 बजे फोन किया है तो भी लोग अपनी ड्यूटी पर थे। जिनका अभिनंदन किया जाना चाहिए उनको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये कोई खनन के ठेके नहीं थे जो 2007 से लेकर के 2017 के बीच में हुए थे, किसी को भी दे दो। ये कोई टेंडर स्मारक के नहीं थे कि अपने परायों को सबको ठेका पट्टा बांट दो और 10 रुपए के पत्थर पे 1000 रुपया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में बात रखते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए, आज वे लोग हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, हमको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की इन उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय अपने कुकृत्यों पर शर्मसार हो रहे हैं और उस शर्मसार के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सत्य तो सत्य होता है, सत्य को आप पराजित नहीं कर सकते। इस सत्य को मौन रखने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, हल्ला करेंगे, दंगा करेंगे। मैं देख रहा था उस दिन जब श्री राज्यपाल यहां पर अभिभाषण देने के लिए आए थे, उनका मार्गदर्शन सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। हमारे यहां हमारे संस्कार हैं कि हम अपने बुजुर्गों का और अपने से बड़ों का वैसे भी सम्मान करें, लेकिन जिनके पास संस्कार ही नहीं, जो लोग जबरन पुरानी मुगल काल की परंपरा का अनुसरण करते हुए गद्दी से उतारने के आदि हो चुके हों, उनके फॉलोअर कैसे इस बात को कर सकते हैं कि वे किसी बड़े का सम्मान करें। एक माननीय सदस्य उस दिन उछल कूदते हुए बेहोश हो गए और तब भी हो हल्ला बंद नहीं हुआ। ये लोकतंत्र को तार तार करने वाला, ये लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र पर विश्वास करने वाले ये लोग हैं जिन लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर सारी व्यवस्था को हमेशा समाप्त करने, बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसे यत्न नहीं छोड़े हैं जिसके कारण ये समाज या व्यवस्था अपने ट्रैक से न हटी हो। वे लोग आज यहां पर हमें सर्टिफिकेट लोकतंत्र के बारे में लोग आज हमें बताते हैं, किस प्रकार का अभद्र आचरण। श्री राज्यपाल पर कागज के गोले छोड़े गए, यहां से किस प्रकार की नारेबाजी हो रही है, इस प्रकार का आचरण पूरी विधायिका को कटघरे में खड़ा करता है। और उन लोगों से उम्मीद करना कि वे उस सच्चाई को सुन सकें, हिम्मत नहीं उनकी, उनमें हिम्मत नहीं कि वे सच्चाई का सामना कर सकें और इसलिए आरोप लगा करके फिर बैकफुट से भाग जाना है, स्थिति का सामना नहीं कर सकते। और इसीलिए उन्होंने कभी भी इन स्थितियों का सामना करने का साहस नहीं किया। महोदय, पिछली सरकारों ने प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया था वो भ्रष्टाचार का कॉरिडोर था, अराजकता का था। इस प्रदेश का कोई ऐसा माफिया, कोई ऐसा गुंडा, कोई ऐसा समाज विरोधी, कोई ऐसा तत्व नहीं था जो पिछली सरकारों में उन सरकारों का हमदर्द न रहा हो। यानी प्रदेश की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों का एक कॉरिडोर बना करके प्रदेश को भ्रष्टाचार, दंगा और अराजकता में धकेलने वाले लोग इस प्रदेश को कहां पहुंचा रहे थे। और हम लोगों ने विगत 22 महीनों के दौरान प्रदेश के अंदर
हमने भी एक कॉरिडोर दिया है।